आईपीएल 2022 के प्रमोशन एड्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। अलग अलग अंदाज से आईपीएल का प्रचार किया जा रहा था। दरअसल कई क्रिकेटर्स भी आईपीएल के 15वें एडिशन का प्रमोशन करने में विज्ञापन का हिस्सा थे। ऐसे में महान विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी भी आईपीएल के प्रमोशन की एड का हिस्सा थे, जिसके खिलाफ अब शिकायत दर्ज कर दी गई है, जिसके चलते अब उस विज्ञापन को हटाने के लिए कहा जा रहा है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल 2022 का प्रोमो एड एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने वापस लेने को कहा है। दरअसल आईपीएल 2022 का आगाज होने से पहले एमएस धोनी आईपीएल की प्रोमो एड में नजर आए थे, जिसमें वो बस ड्राइवर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे थे। धोनी भीड़ भाड़ वाली बस पर बिल्कुल बीच में बस रोक देते हैं और आईपीएल का सुपर ओवर देख रहे होते हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस वाला भी आकर धोनी से सवाल पूछता है कि आखिर बस बीच में क्यों खड़ी है। ऐसे में धोनी जवाब देते हैं कि वो आईपीएल का सुपर ओवर देख रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस वाला भी धोनी की बात से सहमत रहता है और वहां से चला जाता है। दरअसल आपको बता दें कि इस एड को वापस लेने की बात पर जोर एएससीआई ने रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद दिया है। वही कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी की ओर से इस प्रमोशन एड के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व और सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आईपीएल 2022 के विज्ञापन को इसलिए वापसी लेने के लिए कहा गया है, क्योंकि विज्ञापन में सरासर नियमों को तोड़ा जा रहा है और उनका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में एड कंपनी से 20 अप्रैल तक विज्ञापन को वापस लेने को कहा गया है, या तो एड में कोई बदलाव करने को कहा गया है। हालांकि विज्ञापन बनाने वाली कंपनी ने लिखित तौर पर इस शिकायत को स्वीकार कर लिया है और इसको वापसी करने का निर्णय लिया है। खैर दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के इस विज्ञापन को लेकर आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।